अगर मुझे अपना नाम स्टोर करना है तो मेरा नाम है अंजलि, राइट? आई हैव 6 लेटर्स इन माई नेम. अगर मैंने लिखा होता कैर 10, तो वो कैसे स्टोर करता? वो स्टोर करता अंजलि और उसके पीछे 4 स्पेसेस, क्योंकि उसने 10 साइज लिया है तो पूरा 10 ऑक्यूपाई करना ही है. वेर एज अगर मैंने यहाँ पर लिया होता वैर कैर 10, वैर कैर 10 में वो स्टोर करता अंजलि और बाकी के स्पेसेस जो थे वो फ्री हो जाते, वो किसी और काम के लिए यूज़ हो सकते थे, वो यूज़ नहीं होंगे इन द वैल्यू. सो यहाँ तक इतनी ही वैल्यू स्टोर होगी. सो वैर कैर स्टोर्स ओनली दैट मच इज़ रिक्वायर्ड, लेकिन कैर आपका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितनी विड्थ दी है. वैर कैर उतना ही ऑक्यूपाई करेगा जितना चाहिए है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैर एंड वैर कैर. ठीक है, ये जितनी भी डेफिनेशंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं, इसकी मैं एक PDF का लिंक आपसे शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से ये सारे आंसर्स लर्न कर सकते हो. बट अभी यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग इट. आपको पहले ये समझ आना चाहिए कि एग्जैक्टली होता क्या है डिफरेंसेस के बीच में. तो ये हो गया कैर एंड वैर कैर. सो डेटा टाइप्स हो गए, हमें पता चल गए. तो अब मुझे टेबल क्रिएट करना है स्टूडेंट. स्कूल का हमने डेटाबेस बनाया तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम दे दिया स्टूडेंट एंड देन यू पुट राउंड ब्रैकेट. सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट एंड देन आई हैव राउंड ब्रैकेट एंड देन आई हैव टू गिव द एट्रीब्यूट नेम. हर स्टूडेंट का एडमिशन नंबर होता है तो मैंने लिखा ADMNO. आप इसमें डॉट नहीं लगाओगे, डॉट इज़ नॉट अलाउड इन द नेम. सो ADMNO इंटीजर हो सकता है, सो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर कॉमा. देन आई कैन हैव नेम, फिर मैंने ले लिया वैर कैर 30 कॉमा. सो एडमिशन नंबर इंटीजर, नेम हो गया वैर कैर, और क्या चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ. सो DOB ले लिया, वो किस टाइप का होगा, डेट टाइप का, कॉमा. एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, एड्रेस विल बी वैर कैर 50. कौन सी क्लास में है, दैट कैन बी वैर कैर 10. सो दैट्स इट, मुझे अभी इतना ही चाहिए. तो मैंने इसको बंद किया और सेमी कॉलन दिया. सो टेबल क्रिएट हो जाएगा. अभी हम इसमें आगे करेंगे कि प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, फॉरेन की कैसे बनाते हैं, बट दोज आर ऑल लेटर ऑन थिंग्स. तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सारी कमांड्स को अच्छे से डिटेल में करेंगे. सो दिस इज़ हाउ यू जस्ट गेट अ टेबल क्रिएटेड, जिसके अंदर 5 कॉलम्स हैं और ये उनका डेटा टाइप है. ठीक है, ऐसे ही मुझे मान लो अब दूसरा कोई डेटाबेस होता कंपनी वाला, उसके अंदर एम्प्लॉय टेबल बनाना है, या अपने स्टूडेंट स्कूल डेटाबेस के अंदर ही मुझे टीचर टेबल बनाना है. तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल टीचर. टीचर को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने अलॉट किया है तो वो TID हो गया. देन टीचर का नाम हो गया, दैट शुड बी वैर कैर. देन डेट ऑफ बर्थ, विच शुड बी डेट. डेट ऑफ जॉइनिंग, दैट शुड बी डेट अगेन. सब्जेक्ट कौन सा है, कौन सी क्लास है, वो सब भी आप ले सकते हो. सो दिस इज एन एग्जांपल. सो कोई भी टेबल क्रिएट करना हो ऐसे क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो और भी DDL कमांड्स हैं हमारे पास. हमारे पास ऑल्टर टेबल है, ड्रॉप टेबल है, ट्रंकेट टेबल है. सो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और ट्रंकेट टेबल क्या करते हैं. अलॉन्ग विद दैट एक और वीडियो होगी जिसमें हम करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, दैट मीन्स प्राइमरी की एंड ऑल आप कैसे दे सकते हो. सो नेक्स्ट 2 वीडियोज़ में वी विल बी फिनिशिंग द होल DDL थिंग. सो ये और ये आपके पार्ट्स हैं. सो DDL के 3 पार्ट्स हैं हमारे पास. अभी ये वाली वीडियो है DDL पार्ट 1, देन आई विल बी अपलोडिंग DDL पार्ट 2 एंड DDL पार्ट 3, राइट? सो दैट विल बी पार्ट 2 एंड पार्ट 3. सो दीज आर द बेसिक DDL कमांड्स. अगर आपको ये समझ आया है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सो यू ट्राई टू मेक अ डेटाबेस नेम्ड कंपनी, जिसके अंदर आपको 2 टेबल्स बनाने हैं, एक डिपार्टमेंट और एक एम्प्लॉय. एंड इसकी क्रिएट टेबल कमांड्स एंड क्रिएट डेटाबेस कमांड आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, सो दैट आई कैन ऑल्सो नो कि किसने टेबल्स को सही से क्रिएट किया है. सो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर होना चाहिए, डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए और उसकी लोकेशन होनी चाहिए. एम्प्लॉय टेबल के अंदर एम्प्लॉयमेंट ID होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, वो क्या जॉब करता है कंपनी में, उसकी सैलरी क्या है और वो कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता है, उसका नंबर. सो आपको क्रिएट करना है एक डेटाबेस नेम्ड कंपनी एंड ये दोनों टेबल, और इसकी SQL कमांड्स आप नीचे लिखोगे कमेंट्स में, सो दैट आई कैन टेल यू इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको इतना बेस समझ आया होगा. आई एम गोइंग स्लोली ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएँ.